हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा इस चैप्टर का। मैंने कुछ बेसिक्स चीज़ें बताई इस मैग्नेटाइजेशन चैप्टर के बारे में। आज हम देखेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज़, कुछ और फीचर्स, कुछ और टर्म्स जो यूज़ होते हैं वो हम समझेंगे आज। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताया है पिछले क्लास में। आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीखेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हम लोग लास्ट क्लास में सीख रहे थे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इसमें जो एक और टर्म यूज़ करेंगे वो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी तो मैं लगातार यूज़ करते आ रहा हूँ, अभी तक तो मैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस लास्ट चैप्टर में बहुत आसानी से यूज़ करते आ रहा हूँ। अब समझेंगे इसका मतलब क्या है परमेबिलिटी। अच्छा, किसी भी सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में ला रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण, एक्सटर्नल फील्ड के कारण अंदर का भी जो है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जा रहा था। अंदर जो फील्ड बन रहा था वो उसका जो इफेक्ट था वो था बाहर का एक्सटर्नल मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था अंदर, और उसकी जो अपनी मैग्नेटाइजेशन थी उसके कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर बन रहा था, ठीक है ना। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी ये होता है कि जो भी मैग्नेटिक इंडक्शन होगा बॉडी के अंदर, जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा उसका रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू दी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे मैं बताता हूं यहां पे क्या है इसका मतलब। इट इज दी, या पहले मैं एक लाइन लिख देता हूं ताकि आप समझ जाए। व्हेनेवर अ सब्सटेंस इज ब्रॉट इन एन एक्सटर्नल फील्ड, व्हेनेवर अ सब्सटेंस इज ब्रॉट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस कैसा मैग्नेटाइज होगा। ऑलरेडी मैंने बताया आपको पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। व्हेन एवर ए सब्सटेंस ब्रॉट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड। अब यहां पर जो है मैग्नेटाइज जो हुआ, ये मैग्नेटाइजेशन जो है इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हो रहा है उसके कारण है, प्लस एक्सटर्नल फील्ड के कारण है, ठीक है ना। तो चलो ये पॉइंट नोट कर लो, मैं अगले पॉइंट से फिर से लिखता हूं इसके बारे में, मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बारे में। ये पॉइंट नोट कर लो, तो ये पॉइंट तो आप लोगों ने देख लिया कि भाई ला रहे सब्सटेंस तो एटॉमिक सिस्टम मैग्नेटाइज हो जा रहा है। अब ये जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, जैसे मैंने बताया आपको, इसके अपने अंदर जो ओरिजिनल मैग्नेटाइजेशन है इसके अपने कारण, इसके मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, और प्लस एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रेंथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उन दोनों का नेट इफेक्ट हो रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो उसके अंदर बन रहा है, ठीक है। तो यहां मैं बताता हूं आपको, जो हमारे पास ये है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये होता है रेशियो ऑफ बी बाई एच, यानी कि रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट क्या था? मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट था वेब पर स्क्वायर मीटर, ये मैंने बताया आपको। और एच का यूनिट क्या था? एम्पियर पर मीटर। तो अगर हम इसे देखें तो ये निकल के आएगा वेबर पर एम्पियर, और ये मीटर है तो वेबर पर एम्पियर मीटर, ऐसा निकल के आएगा यूनिट, ये निकल के आएगा। ये होगा हमारा यूनिट मैग्नेटिक परमेबिलिटी का। सिंपल सा एक टर्म है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये होता है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू दी मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं और अच्छे से लिखूं, म्यू क्या है? किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन जो बनेगा, और इसका रेशियो हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंटेंसिटी आप ले सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इन दोनों को यूज करके रेशियो बना के हम लोग मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बारे में बताते हैं। तो परमेबिलिटी एक तरह से हमें बता रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हमें बताएगा डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन कितना बन रहा है। जरा सोचो, ये अगर कम होगा तो यानी कि ये कम है, ये कम है। अगर ये ज्यादा होगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ज्यादा है यानी कि बी ज्यादा है, यानी कि हमारा जो सबसे मैग्नेटिक इंडक्शन जो बना है वो ज्यादा होगा। यानी कि आपको एक ये आइडिया दे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड बनेगा मैग्नेट के अंदर, जो भी हमारा सब्सटेंस उसके अंदर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जैसे मान लो एच फिक्स कर दो, किसी भी एक्सटर्नल फील्ड अगर हम फिक्स कर दें
कोई दो सब्सटेंस है, एक का म्यू ज़्यादा है एक का म्यू कम है, इसका मतलब इसका म्यू ज़्यादा है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर बनाने की, उसके अंदर जो मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा वो ज़्यादा होगा। तो ये हमें एक कंपेरेटिव एक रिलेटिव आइडिया देता है कि आप सब्सटेंसेस को कंपेयर कर सकें कि उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसा बनेगा। रेशियो है बी बाई एच का। अब मुझे विश्वास है कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, इसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, इसको सोचेंगे कैसे, इमेजिन कैसे करेंगे ये टर्म, ठीक है ना। ये हो गया मेरे पास मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बातें। तो एक तरह से और सोच सकते हो कि ये हमें ये भी आइडिया दे रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरह से मूव करेगा सब्सटेंस के अंदर, ज़्यादा मतलब ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव करेगा सब्सटेंस के अंदर, क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कम मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसका मतलब कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की तरफ फ्लो करेगा, यानी कि हमारा जो है मैग्नेटिक इंडक्शन वो कम हो जाएगा। होप कि ये टर्म ये पॉइंट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट थिंग आगे देखते हैं हम लोग, वो है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जैसा कि बोल रहा है टर्म, रिलेटिव, रिलेटिव मतलब किसी दो चीज को रिलेट करना है, और हमें क्या रिलेट करना है, हमें मैग्नेटिक परमेबिलिटी रिलेट करना है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब किससे रिलेट करें, किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक परमेबिलिटी मुझे रिलेट करना है किसी दूसरे मैग्नेटिक परमेबिलिटी से, तो एक स्टैंडर्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी हमें कहीं का मालूम होना चाहिए। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का ही हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी स्टैंडर्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी लेते हैं, जिससे हम अदर सब्सटेंस की मैग्नेटिक परमेबिलिटी कंपेयर करते हैं। जैसे कि देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट्स द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट। ये क्या है हमारा टर्म, ये टर्म है हमारे पास रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और जो अदर टर्म्स हैं म्यू और म्यू नॉट, उनको अगर मैं लिखूं, म्यू मेरा है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, जो पहले अभी जस्ट मैंने बताया है अभी आपको, और ये क्या है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब फ्री स्पेस परमेबिलिटी जो है उससे कंपैरेटिव हमारा सब्सटेंस का मैग्नेटिक परमेबिलिटी कितना ज्यादा है कितना कम है। जितना ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना आपको आसान होगा, उतने ही ज्यादा स्ट्रांग फील्ड बनेगा उसके अंदर जितना ही ज्यादा होगा ये। तो यानी कि रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें, अगर ये ज़्यादा है तो एक टेंडेंसी में बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा फ्लो हो रहा है, जितना ही ये ज़्यादा उतना ही फील्ड लाइंस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड बनाएंगे सब्सटेंस के अंदर, ठीक है ना। आई बिलीव कि आपको ये बात समझ में आ रही है म्यू आर के बारे में, म्यू और म्यू नॉट के बारे में जिसमें मैंने बताया, ठीक है ना। अच्छा एक बात देखो कि अगर मैं ये तो मैंने लिखा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि वेकम की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ वेकम वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ वेकम सिंपल सी बात है म्यू नॉट बाई म्यू नॉट यानी कि वन हो जाएगा। तो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ वेकम इज वन। ये रेशियो है दो फिक्स क्वांटिटी का, सॉरी दो ऐसे क्वांटिटी का जिनका यूनिट और डायमेंशन सेम है, तो यानी कि ये जो टर्म है रिलेटिव परमेबिलिटी ये यूनिटलेस टर्म है, ये डायमेंशन लेस है, ठीक है ना। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं है, तो म्यू आर इज डायमेंशन लेस या यूनिटलेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस मतलब ऑटोमेटिकली ये बयां कर रहा है कि ये क्वांटिटी जो है यूनिटलेस भी है, कोई यूनिट नहीं होगा इसका। ये हो गया रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बारे में, ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है यहाँ पे, बहुत आसान है यहाँ पे। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ, उससे पहले मैं बता दूँ आपको, मैंने बताया है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन बन रहा है वो ओरिजिनल फील्ड के अलोंग बन रहा है, और जब कभी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लाते हैं ओरिजिनल फील्ड में लाते हैं, तो क्या होता है उसके एक्सेप्शन की वजह से अंदर की तरफ फील्ड बन जाता है, और अंदर थोड़ा इंटेंस और स्ट्रॉन्गर फील्ड बनता है। तो हम मैं बता दूं आपको कुछ टर्म्स, ऐसा फिर हम लिख सकते हैं
फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस म्यू आर इज ग्रेटर देन वन, फॉर डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक याद है मैंने क्या बताया था कि जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आता है तो उसका जो एटॉमिक है कॉन्फ़िगरेशन वो डिस्टॉर्ट होने लगता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो बनता है एक्सटर्नल फील्ड के कारण वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है एक्सटर्नल फील्ड से कंपैरेटिव, यानी एक्सटर्नल फील्ड अगर टुवर्ड्स लेफ्ट है, ठीक है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सटर्नल फील्ड, तो जो अंदर की तरफ बनेगा एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड वो थोड़ा वीकर फील्ड बनता है, फीबल फील्ड बनता है, कमजोर फील्ड बनता है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। म्यू आर के बारे में बता दूं फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये है काफ़ी थोड़ा सा कम है वन से, और दूसरा तीसरा सब्सटेंस हमारे पास क्या था, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की एक खास बात यह है कि ये सब्सटेंस जो है एक वीकर फील्ड में भी रखोगे ना तो इसके अंदर जो फील्ड बनेगा वो बहुत स्ट्रॉन्गर फील्ड बन जाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो मैंने इसमें बताया है कि जो म्यू आर है ये हमें टर्म क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है सब्सटेंस की टेंडेंसी कि एक्सटर्नल फील्ड में लाने पर उसके अंदर फील्ड कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्गर फील्ड बनेगा, वीकर फील्ड बनेगा, मतलब फीबल कमजोर फील्ड भी, फीबल फील्ड भी होगा, मतलब एक कम मैग्नेटो फील्ड होगा तो भी एक्सटर्नल फील्ड से ज़्यादा है कि कम है वो हमें बताएगा ये चीज़। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आप एक वीक मैग्नेटिक फील्ड में लाते हो तो भी बहुत ही इंटेंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसा फील्ड बनेगा हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। हम लिख सकते हैं म्यू आर की वैल्यू फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फार फार ग्रेटर देन वन, बहुत बड़ा होगा ये वन से, ठीक है ना। ये तीनों टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए तीनों सब्सटेंस के लिए, कंपेरेटिव वैल्यूज ऑफ म्यू आर फॉर पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। सारे के सारे छह टर्म्स आपको जमा पे होने चाहिए, भूलने नहीं चाहिए। पहला तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो मैंने बताया है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। दूसरा मैंने बताया आपको क्या, मैंने आपको बताया है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, एम्पियर पर मीटर पर यूनिट। तीसरा मैंने बताया है आपको एच, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसका आगे मैंने बताया है कि इसको भी आप बता सकते हो कि हमारे पास कैसा एक्सटर्नल फील्ड है जिसके कारण ही मैग्नेटाइजेशन होता है सब्सटेंस। चौथा मैंने बताया था आपको मैग्नेटिक पर्मियबिलिटी, आज बताया, फिर रिलेटिव मैग्नेटिक पर्मियबिलिटी, और फिर बताया आपको, अब मैं जो बताऊंगा वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो एक काम करो, लेट मी क्लियर द बोर्ड एंड लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द अदर एंड। एक बार जरा रिवाइज कर लो सब चीज, मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके नाउ अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हम जो सीखेंगे वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको चीज बता दूं, कुछ दिक्कत वाली चीज नहीं है, ये सिंपल है। देखो, तीनों सब्सटेंस के बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। स्टैटिक मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग, चर्चा करेंगे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर फील्ड कैसा बनता है, किस डायरेक्शन में बनता है, स्ट्रॉन्गर बनता है, वीकर बनता है, वो सब मैंने आइडिया दिया है आपको। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, जो पहले जानते हैं हम लोग कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर एक फीबल मैग्नेटिक फील्ड बनता है एक्सटर्नल फील्ड में लाने पर, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जान लो कि बहुत ही इंटेंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड बनता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो, ये जो टर्म है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दिस इज यूज्ड फॉर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और जैसा कि मैं बता दूं कि एक्सटर्नल फील्ड में लाने पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है अलाइन हो जाता है उस सब्सटेंस का। सो ऑन bringing a substance in external magnetic field, on bringing a substance in external magnetic field, क्या होगा, magnetic moment create हो जाएगा, magnetic moment is magnetic moment is created या is aligned, magnetic moment होता है पहले, is aligned depending upon
टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिकली अलग अलग तरह से ये हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइन होता है। याद करो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो है हमारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट है सब्सटेंस का वो अलाइन हो जाएगा एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग ही। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा, वो अलाइन हो जाएगा अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में तो बस जान लो, दूसरा तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे, वो भी उसके अंदर फील्ड बनेगा, वो भी बनेगा अलॉन्ग द सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑन ब्रिंगिंग सब्सटेंस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट इज अलाइन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो अगर हम बात करें इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो सबसे पहले समझते हैं, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सवाल इसमें ना के बराबर ही होते हैं। तो आपको अगर पूछेगा सवाल में, तो सवाल में वही चीज़ें पूछेगा कि आपको थ्योरी से रिलेटेड जो चीज़ें आपने सीखी हैं वही चीज़ पूछेगा इसमें। इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जान लो ये चीज़ कि हाउ मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे एक लेटर काइम से, काइम से डिनोट करेंगे, ठीक है ना, मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी, ये इसमें जो है I, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू काइम इन टू एच, यानी कि तीनों टर्म्स I, काइम और H इस इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि काइम को मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरह, काइम इज इक्वल टू आई बाई एच। तो क्या समझ में आया ये कि यहां पे हमारे पास ये जो है काइम जो वैल्यू है वो है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये क्या है हमारे पास, ये न्यूमरेटर में है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डिनोमिनेटर में है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दोनों मैंने बताया है, काइम इक्वल्स टू आई बाई एच। अच्छा ये तो एक चीज हो गई, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं बता दूं कि आपके पास जो एक रिलेशन और है रिलेटिव परमैग्नेटिक परमिबिलिटी और काइम में, वो रिलेशन जान लेते हैं हम लोग। बहुत ही आसानी से हम लोग शो कर सकते हैं कि कैसे ये रिलेटेड है। देखो सबसे पहले रिलेशन बिटवीन काइम और म्यू आर, एक चीज और जान लो कि म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस काइम। म्यू आर इक्वल्स टू बी बाई एच, वहां से प्लस काइम इक्वल्स टू आई बाई एच, ठीक है ना। तो हम लोग चाहें तो इसको शो भी कर सकते हैं कि बी बाई एच इक्वल टू वन प्लस आई बाई एच शो कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने जो मैंने बताया आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैंने बताया है आई इक्वल्स टू वहां से, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में जो मैंने बताया है वहां से आप आसानी से शो कर सकते हैं ये टर्म म्यू आर इक्वल्स टू वन प्लस काइम। तो काइम क्या निकल के आता है, काइम निकल के आएगा यहां पे म्यू आर माइनस वन। म्यू आर मैंने बताया है कि फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस म्यू आर इज ग्रेटर देन वन, ये मैंने बताया आपको। फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इट इज लेस देन वन, ये मैंने बताया आपको। तो यहां पे हम बता दूं, मैं बता दूं आपको, फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फॉर पैरामैग्नेटिक म्यू काई एम इज स्लाइटली पॉजिटिव, काई एम इज स्लाइटली पॉजिटिव, और फॉर डायमैग्नेटिक काई एम इज स्लाइटली नेगेटिव। भाई क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि म्यू आर लेस देन वन है। अब लेस देन वन में से वन घटाएंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव ही आएगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू आर बहुत बड़ा था, फॉर फेरोमैग्नेटिक म्यू आर बहुत बड़ा था, तो काइम क्या हो जाएगा, काइम इज वेरी लार्ज, ये हो जाएगा 100 टू 1000 टाइम्स हो जाएगा, 100 टू 1000 ऐसे इस तरह से हम शो करेंगे काइम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस।
तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन जान लो कि काईएम का क्या वैल्यू है. काईएम की जो वैल्यू है वो है रेशियो ऑफ आई बाई एच, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वो होगा काईएम. नेक्स्ट काईएम जो रिलेटेड है हमारा, काईएम रिलेटेड है इस तरह से म्यू आर से, म्यू आर इक्वल्स टू वन प्लस काईएम. तो काईएम आ जाएगा म्यू आर माइनस वन. म्यू आर थोड़ा सा वन से बड़ा होता है फॉर पैरामैग्नेटिक, उसको यूज करके काईएम इज स्लाइटली पॉजिटिव. थोड़ा सा छोटा होता है वन से फॉर डायमैग्नेटिक, उसको यूज करके काईएम इज स्लाइटली नेगेटिव. फॉर फेरोमैग्नेटिक इट इज वेरी लार्ज. होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, और लिखते जाओ और इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ लोगे तभी ये चीजें रिटेन रहेंगी, वरना इसको, ये थियोरेटिकल पार्ट है, इसको भूलने में वक्त नहीं लगेगा. तो इसका आपको 3-4 बार तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा तभी ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए. रिविजन, रिविजन इज द की टू रिटेनिंग थिंग्स एंड दैट्स ऑल्सो की टू सक्सेस. रिवाइज जितना करेंगे उतना फायदा होगा आपको. ये तो मैंने बात की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की. मैंने बताया आपको कि हाँ, एक्सटर्नल फील्ड में लाते हो ये टर्म्स आपको मालूम होना चाहिए. जब भी कोई सब्सटेंस एक्सटर्नल फील्ड में आता है वो मैग्नेटाइज होने लगता है. मैंने चर्चा की है यहाँ पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में. अब हम देखते हैं कि ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, पहले इनका प्रॉपर्टीज देखते हैं, कैसा ये बिहेवियर होता है इनका एक्सटर्नल फील्ड में जब भी ये आते हैं. टर्म्स तो हमें सारे मालूम चल गए. मैंने आपको बताया है कि हर एक सब्सटेंस के अंदर ड्यू टू ऑर्बिटल एंड स्पिन मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक मोमेंट ऑलरेडी बना हुआ होता है हमारे पास, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के कारण, उस इलेक्ट्रॉन के मोमेंट के कारण, ठीक है ना. इस मैग्नेटिक मोमेंट को हम ओरिएंट करते हैं जब भी कभी एक्सटर्नल फील्ड आ जाता है आसपास. इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो ओरिएंट हो जाता है अलोंग द सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाता है. यहां देखते हैं हम लोग नेक्स्ट थिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस. पहला देखते हैं सिंपल सा, हम लोग देखेंगे डायमैग्नेटिक से शुरू करते हैं. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, अब भाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैंने कई बार बताया है, जब भी किसी एक्सटर्नल फील्ड में लाओगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, जब भी किसी एक्सटर्नल फील्ड में लाओगे तो क्या होगा, इसके अंदर का मैग्नेटिक मोमेंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो जाता है. तो इट्स मैग्नेटिक मोमेंट अलाइंस ऑपोजिट टू द ओरिजिनल फील्ड डायरेक्शन. इट्स मैग्नेटिक मोमेंट अलाइंस ऑपोजिट एक चीज तो ये हो गई जो कई बार मैंने बोला है. दूसरी चीज, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर एक फीबल फील्ड बना है, एक बहुत ही कमजोर फील्ड बना है, वीकर फील्ड बना है. तो अगर मैं दिखाऊं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को कुछ इस तरह, ठीक है, तो इसके अंदर जो फील्ड बनेगा, तो ये रहा मेरा ओरिजिनल फील्ड, इसके आसपास तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर फील्ड बनता है लेकिन इसके अंदर बनता है कमजोर फील्ड. इसके अंदर जो बनेगा वो बनेगा थोड़ा सा वीकर फील्ड, जस्ट ऑपोजिट सेंस में. ये होगा मेरा फील्ड इन द केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. इसके अंदर बनेगा ऑपोजिट सेंस में, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर. अच्छा, एक चीज और इस सब चीजों के बारे में जानने के लिए, और हम जान लें कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज रिपेल्ड बाय स्ट्रॉन्गर फील्ड. अगर मान लो कहीं पे स्ट्रॉन्गर फील्ड है, कहीं पे वीकर फील्ड है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो रिपेल हो जाएगी स्ट्रॉन्गर फील्ड के कारण और वो चली जाएगी वीकर फील्ड के पास. तो थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, इट इज रिपेल्ड बाय
अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड. Repelled by a stronger magnetic field. Repelled by a stronger magnetic field, यानी कि attracted by a weaker field. यानी कि कभी भी fields का अगर distribution होता है space में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि if there is variation in field in space, if there is variation in field, तो diamagnetic substance always try to goes toward the weaker field. If there is variation in field, diamagnetic substance moves towards weaker field. Moves toward weaker field. ठीक है, स्ट्रॉन्गर फील्ड के पास नहीं जाता है, वो वीकर फील्ड के पास चला जाता है. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो जाती है ऑपोजिट टू दी फील्ड. यहाँ देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन टू दी ऑपोजिट टू दी ओरिजिनल फील्ड, वीकर फील्ड बनता है अंदर कंपेयर टू दी वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ये हो गया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, हम लोग कुछ चीज़ें जान लिए हैं. नेक्स्ट जो चीज़ जानेंगे वो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. बात करते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं, ये भी आसान है, मैंने कई बार चर्चा की है, उसी को लिख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी में. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसका बिहेवियर कैसा होगा? सबसे पहले जो इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट है वो अलाइन हो जाता है ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग. तो इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट अलाइंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ये हो जाता है केस जब हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ऐसा ही केस होगा हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के कारण, कि भाई मेरा एक्सटर्नल फील्ड है तो उसी के अलोंग जो है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो जाता है. दूसरा पॉइंट, अ फीबल मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड विद इन इट. अ फीबल मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड विद इन इट या इज क्रिएटेड विद इन इट. अब क्योंकि फील्ड बन जाता है उसके अंदर थोड़ा सा फीबल है, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड जो उसके आसपास रहेगा उसके नियर बाई में तो कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन अंदर हो जाएगा थोड़ा सा स्ट्रांग, क्योंकि उसकी सेंस उसके डायरेक्शन के अलॉन्ग ही बन रहा है. तो अगर मैं ये दिखाऊं, फील्ड लाइंस हैं, अंदर जो है थोड़ा सा इंटेंस फील्ड बनता है कंपेयर टू इसके आसपास जो है थोड़ा सा कमजोर फील्ड बनता है, इसीलिए मैंने फील्ड लाइंस को थोड़ा दूर कर दिया है इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से. ठीक है ना, ये होगा हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में फील्ड लाइंस का डिपिक्शन. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं ये हमें बताते हैं कि फील्ड हमारा कैसे ओरिएंटेड है. ठीक है ना, फील्ड लाइंस के बारे में मैंने बताया है आपको इन केस ऑफ करंट कैरिंग वायर, और इन केस ऑफ मैंने यहां तक ये बताया है सर्कुलर कॉइल के बारे में बताया फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये रहा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और जान लो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर फील्ड. इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर फील्ड मतलब कि कहीं पे भी अगर स्पेस में आपके पास वेरिएशन है मैग्नेटिक फील्ड में, कुछ चेंजेस आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हमेशा जो है स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ ही
अट्रैक्टेड होगा, वीकर फील्ड की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होगा। ये तो हमारे पास है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी, ये है कि हमेशा अट्रैक्ट होगा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में, ना कि वीकर मैग्नेटिक फील्ड में। होप कि ये दोनों प्रॉपर्टीज, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, आपको समझ में आई है कि मैग्नेटाइजेशन कैसे होता है, इसके अंदर क्या सेंस होता है मैग्नेटाइजेशन का। मैं अगली क्लास में चर्चा करूंगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, ये पूरा रिवाइज कर लेना, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और भी जो मैंने टर्म्स बताई हैं, जो बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। इस सब चीज़ों के बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट साथ मिलेंगे, तब तक की मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सभी का धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन।